इस मूवी की शुरुआत 90s के समय में होती है, जहां हम रिगर नाम के एक बूढ़े आदमी को एक लेटर पढ़ते हुए देखते हैं, जो उसकी बेटी जेनिफर को अगवा किए हुए रिलीजियस कल्ट की तरफ से था। ये कल्ट रिगर से एक बहुत बड़ी रकम जेनिफर को छोड़ने के बदले मांग रहे होते हैं। रिगर के साथ उनका बेटा थॉमस भी मौजूद होता है, जो हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार है। रिगर थॉमस से कहता है कि उसकी बहन को उसकी जरूरत है और उसे जल्द ही जाना होगा। थॉमस रिगर की कंपनी का वर्कर बनकर जेनिफर को उन लोगों से छुड़ाने के लिए पैसे लेकर जाने वाला है, लेकिन रिगर थॉमस को कहते हैं कि जब तक वो जेनिफर को ना देख ले, तब तक किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि फिरौती की रकम तुम्हारे पास है। थॉमस जेनिफर को छुड़ाने के लिए ट्रेन से निकल पड़ता है और आखिर में उस नदी तक आता है जो कि उस आइलैंड की ओर जा रही थी, जहां उस कल्ट ने जेनिफर को अपना कैदी बनाकर रखा है। इसी बीच थॉमस ये नोटिस करता है कि उसकी टिकट बाकी लोगों से कुछ अलग है, जिसे देख कर थॉमस समझ जाता है कि उसके टिकट पर ये मार्क जानबूझ कर लगाया गया है, ताकि आइलैंड पर लोग उसे पहचान लें कि थॉमस ही वो इंसान है जो उनकी मांगी हुई रकम देने आया है। थॉमस बड़ी ही चालाकी से अपना टिकट किसी दूसरे राही के साथ एक्सचेंज कर देता है। वहीं थॉमस को एक और बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलती है, जो कि यह है कि एक भेड़ का बच्चा पानी में कूद जाता है। थॉमस उसे बचाता है, लेकिन वहां मौजूद एक और आदमी उस भेड़ को वापस पानी में फेंक कर कहता है कि अगर गॉडेस चाहेंगी तो वो भेड़ का बच्चा खुद ही बच जाएगा, इसलिए हमें नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। थॉमस ये सारी चीजें देखकर समझ जाता है कि ये लोग कितने ज्यादा अंधविश्वासी हैं। थॉमस भी कुछ समय पहले तक क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए उसका जमकर प्रचार किया करता था, लेकिन उसे इसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा और साथ ही में उसे बहुत जिल्लत और दर्द का भी सामना करना पड़ा। इसलिए इस वक्त थॉमस कुछ नहीं करता और शांति से बोट पर बैठ जाता है। साथ ही में थॉमस ने यह भी नोटिस किया था कि बोट पर चढ़ने से पहले सामान चेकिंग के दौरान उस आदमी के सामान पर क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है, जिसके साथ उसने अपनी टिकट एक्सचेंज करी थी। अगली सुबह सब लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोगों की अच्छे से जांच की जा रही होती है। थॉमस देखता है कि जिस राही के साथ उसने अपना टिकट एक्सचेंज किया था, उसे कुछ गार्ड्स पकड़कर एक अलग जगह पर लेकर जा रहे थे। इस आइलैंड का लीडर मैलकम था, जिसे सब ये मानते हैं कि गॉडेस ने उसे ही चुना है अपनी बात सबके सामने रखने के लिए। साथ ही मैलकम के दो और साथी थे, जिनका नाम फेंग और क्वीन है। दरअसल इस आइलैंड पर वही लोग आते हैं जो कि असल दुनिया से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके होते हैं, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को खत्म कर उस आइलैंड की गॉडेस को ही अपना सब कुछ मान लिया है। मैलकम की स्टोरी के अकॉर्डिंग मैलकम, फेंग और क्वीन की बोट तूफान की वजह से इस आइलैंड पर आकर फंस गई, जहां उन्हें इस आइलैंड की गॉडेस ने बचाया और तभी से मैलकम ने अपनी जिंदगी को यहां की देवी के लिए समर्पित कर दिया। आगे हमें पता चलता है कि पहले की तुलना में इस आइलैंड का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है, यानी कि आइलैंड पर जीने के लिए ना ही पर्याप्त अनाज है और ना ही इंसानों और जानवरों के बच्चे ही सही सलामत पैदा हो पा रहे हैं, और अगर उनका जन्म हो भी रहा है तो तुरंत ही उनकी मौत भी हो जा रही है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आइलैंड वासियों को अनाज और जानवर शहर से खरीद कर लाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसों के लिए ही उन्होंने जेनिफर को किडनैप किया है। थॉमस को धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगती हैं। इस आइलैंड पर आए सभी नए लोगों को एक लेडी ब्रेड और एक खाली बोतल देती है। इस खाली बोतल का राज हमें आगे मूवी में पता चलेगा। मैलकम इस आइलैंड का लीडर होने के नाते यहाँ आने वाले सभी नए लोगों को यहाँ के रूल्स बताने के लिए चर्च में बुलाता है, जिसमें शामिल होने के लिए थॉमस भी जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिससे थॉमस ने टिकट एक्सचेंज किया था। मार खा खा कर उसकी हालत बहुत खराब होती है और उसे कुछ लोग टांग कर एक रूम की तरफ ले जा रहे होते हैं। मैलकम अपने, फेंग और क्वीन की स्टोरी के बारे में सबको बताता है कि कैसे गॉडेस ने उनकी जान बचाई, और साथ ही में अपने बनाए रूल्स, जिसमें अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकता था और कोई भी जवान लड़का लड़की एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे। तभी हम एक गाउन में एक लड़की को देखते हैं जो चर्च के चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसे सिर्फ मैलकम और थॉमस ही देख रहे होते हैं। शायद वही लेडी यहाँ की देवी है। स्पीच खत्म होने के बाद हम मैलकम और उसके दोस्तों को उस आदमी के रूम में देखते हैं, जो कि उससे पैसों के बारे में पूछ रहे होते हैं, और उसके सारे सामान को खोल खोल कर देखते हैं, लेकिन उसमें से उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। वो इंसान रो रो कर अपनी जान की भीख मांगता है और पैसों के बारे में जानने से कुछ भी मना भी करता है, लेकिन उन तीनों पर उस आदमी की बात का कोई असर नहीं पड़ता और वो लोग उसे जान से मार देते हैं। रात के समय जब सब सो चुके थे, तब थॉमस चोरी छिपे जेनिफर को ढूंढने के लिए निकलता है। यहाँ उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि एक खाली बोतल में अपने हाथ को काट कर उसमें खून डाल रही होती है, और उस बोतल को मैलकम अपने घर में बने अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है।
तभी कुछ दूर जाने के बाद थॉमस एक लड़का और एक लड़की को एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखता है, जो कि वहां के रूल्स के खिलाफ था। दरअसल ये लड़का जर्मी फेंग का बेटा है और उसकी लवर फियोन क्वीन की बेटी थी। थॉमस वापस जब अपने रूम पर आता है तो वो देखता है कि बाकी और लोग जो उसके साथ आए थे उन सभी के रूम के बाहर खून से भरी हुई बोतलें रखी हुई थी। थॉमस भी अपनी बोतल में अपने सभी नेबर की बोतल से थोड़ा थोड़ा खून डाल लेता है। थॉमस खून से भरी बोतल अपने डोर पर रखकर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके हाथ में कट लग जाता है, जिससे कि उसका कुछ ब्लड वहीं गिर जाता है, जिसे नजरअंदाज करके थॉमस अंदर चला जाता है। उसी रात हम उस गाउन वाली लेडी को थॉमस के ब्लड को चाटते हुए देखते हैं और ये दृश्य देखने में बहुत डरावना था। वहीं थॉमस जब अपने रूम में आता है तो उसकी नजर वहां पड़ी एक बाइबल पर पड़ती है, जो कि मैल्कम ने सभी के रूम्स में जानबूझकर रखवाई है, क्योंकि इस बाइबल को मैल्कम ने लिखा है ताकि सभी नए लोग उसकी ही बातों को माने, और वो चाहता है कि सभी लोग पुरानी रिलीजियस चीजों को भूलकर उसकी लिखी बाइबल को याद रखें। थॉमस उस बाइबल का एक पेज फाड़कर उस एरिया का मैप तैयार करता है, जो कि समय आने पर उसकी भागने में मदद कर सके। अगली सुबह सभी लोगों को काम करने के लिए ले जाया जाता है। थॉमस जर्मी को देखता है और उसके पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे लवर फियोन के अफेयर के बारे में सब जानता हूँ, और अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम दोनों के बारे में यहाँ किसी को भी पता चले तो तुम्हें मेरा मुंह बंद रखने के लिए मेरी मदद करनी होगी। थॉमस की बातें सुनकर जर्मी बहुत घबरा जाता है और वो थॉमस के साथ सभी लोगों से दूर चला जाता है। थॉमस जर्मी को जेनिफर की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है जिसे किडनैप करके यहाँ पर रखा गया है। जर्मी थॉमस को बताता है कि हाँ, मैंने इसे एक बॉक्स में बंद नदी पार करते हुए देखा था, लेकिन वहाँ मेरे पिता भी मौजूद थे, इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। थॉमस जर्मी को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह मुझे मेरी बहन से मिलवाना होगा, वरना तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। साथ ही थॉमस जर्मी को भी फियोन के साथ इस आइलैंड से दूर ले जाने की बात करता है। आगे जर्मी थॉमस को इस आइलैंड का सबसे बड़ा राज बताता है। जर्मी बताता है कि इस आइलैंड की देवी को यहाँ पर हरियाली पैदा करने के लिए समय समय पर जानवरों और इंसानों का खून भेंट किया जाता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से शहर से जानवर खरीदे जा रहे थे, और इसी वजह से किडनैपिंग के जरिए पैसे इकट्ठा करने का आइडिया निकाला गया। मैल्कम नए आए लोगों में सभी आदमियों को बुलाता है, जहां वो उनसे ये जानना चाहता था कि वो उसके लिखे बाइबल के बारे में क्या सोचते हैं। दरअसल मैल्कम इसी बहाने उस इंसान का पता लगाने आया होता है जो कि जेनिफर को छुड़ाकर उन्हें पैसे देगा। थॉमस इस बात से बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसे तो मैल्कम की बाइबल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए एक चाकू अपने पास रख लेता है। मैल्कम सबसे लाइन बाय लाइन बाइबल के कुछ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि सिर्फ थॉमस ही अकेला इंसान नहीं होता जो मैल्कम से डरा हुआ था और उसे मारने के लिए तैयार बैठा था, बल्कि वहाँ एक और आदमी था, और इस आदमी को किंग ने इस कल्ट की जासूसी करने के लिए इस आइलैंड पर भेजा था, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर यहाँ के लोगों की मंशा क्या है। मैल्कम जैसे ही उस आदमी से सवाल पूछने जाता है, वो आदमी अचानक से चाकू निकालकर मैल्कम पर अटैक कर देता है। तभी थॉमस बीच में आकर मैल्कम की जान बचा लेता है, लेकिन इस दौरान थॉमस बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद मैल्कम के गार्ड्स उस आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं। मैल्कम जख्मी थॉमस को अपने घर लेकर जाता है और अपनी बेटी एंड्रिया को उसका इलाज करने को कहता है। मैल्कम अपना हाथ काट कर थॉमस के हाथ पर रखकर कहता है कि मेरा वादा है तुम्हें कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे खून के हर एक बूंद की कीमत अदा करूंगा। उस रात को मैल्कम जेनिफर को घसीटते हुए सबके सामने लाता है और ऐलान करता है कि जो भी घुसपैठिया इस लड़की का साथी यहाँ पर छिपा हुआ है वो खुद ब खुद सबके सामने आ जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो लोग जेनिफर को टॉर्चर करते हैं। थॉमस ये सारी चीजें अपने रूम से देख रहा था, लेकिन खुद के इमोशन पर काबू करते हुए वो मैल्कम के सामने नहीं आता। वहीं जेनिफर, जिसकी बुरी हालत करके उसे घर के बाहर फेंक दिया गया था, वहां आने जाने वाले सभी बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं। तभी एंड्रिया कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती है और उन बच्चों को डांट कर भगा देती है और जेनिफर को कुछ खाने के लिए कहती है। वहीं मैल्कम अपने साथियों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि आज रात मैंने सभी नए लोगों के लिए पार्टी रखी है, जिसका असल मकसद ये है कि जब सब पार्टी में बिजी होंगे तो हम उनके रूम की तलाशी लेंगे, जिससे हमें उस घुसपैठिए के बारे में कुछ न कुछ सबूत का तो पता चल ही जाएगा। रात के समय सभी लोग पार्टी में मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैल्कम फेंग और क्वीन के साथ एक एक करके सभी के कमरों की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। लास्ट रूम थॉमस का होता है, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे थक हार कर वो सब वापस जाने लगते हैं। तभी मैल्कम की नजर थॉमस के बनाए उस बाइबल पेज के मैप पर पड़ती है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि थॉमस ही वो घुसपैठिया है जिसकी तलाश चल रही थी। साथ ही वो देखते हैं कि थॉमस को मैल्कम के रूम से टनल के अंदर जाने वाले रास्ते के बारे में भी पता है।
इसलिए सब उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस जर्मी की मदद से मेलकम के रूम के उस टनल तक पहुंच जाता है और उसका राज जानने के लिए वो अंदर चला जाता है। वो टनल आगे जाकर कहां खुलता है ये पता लगाने के बाद थॉमस उसी रास्ते से जेनिफर को लेकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। जर्मी भी फियोन के साथ इस आइलैंड को छोड़ना चाहता था, इसलिए वो थॉमस की मदद कर रहा होता है। थॉमस के अंदर जाते ही जर्मी गेट बंद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ फैंग पहुँच जाता है और जर्मी को देखकर समझ जाता है कि जर्मी भी थॉमस के साथ मिला हुआ है। फैंग को इस गुस्ताखी का अंजाम पता था, इसलिए वो जर्मी को वहाँ से भगा देता है और इतनी देर में मेलकम और क्वीन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फैंग उन्हें टनल के दोनों छोर पर तैनात रहने को कहता है ताकि जैसे ही थॉमस बाहर आए उसे पकड़ा जा सके। थॉमस को बाहर हो रही हलचल से अंदाजा हो जाता है कि उन लोगों को सब पता चल गया है और बाहर निकलते ही वो अपनी जान से हाथ धो सकता है। इसलिए थॉमस उस टनल के आसान रास्ते को छोड़कर एक खून से भरा पतला रास्ता चुनता है, जहां उसे खून से लथपथ एक लेडी उसकी तरफ आती हुई नजर आती है। थॉमस उसे देखकर घबरा जाता है और वहां से जैसे तैसे भागता है। दूसरे रास्ते में थॉमस की नजर वहां की दीवारों पर बनी कलाकृतियों पर जाती है, जिसे देखकर थॉमस को कुछ ऐसे सच का पता चलता है जिससे इस आइलैंड पर रहने वाला हर एक इंसान अनजान है। दरअसल कुछ देर पहले थॉमस ने जिस डरावनी लेडी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि इस आइलैंड की देवी है, जिसे मेलकम ने अपना बंदी बनाकर रखा था। इसका मतलब ये था कि इस आइलैंड को गॉडेस नहीं बल्कि मेलकम चला रहा है और इस बात से नाराज देवी की वजह से इस आइलैंड की हरियाली खत्म होती जा रही है। उन्हीं पेंटिंग्स को देखते हुए थॉमस टनल के खुफिया छोर पर पहुंच जाता है, लेकिन थक जाने की वजह से दोबारा उसकी आंख एंड्रिया के आने की आहट से खुलती है, जो कि उसके लिए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आई थी। कपड़े बदलते वक्त एंड्रिया की नजर थॉमस की बैग पर लगी चोटों पर पड़ती है। थॉमस उसे बताता है कि कैसे क्रिश्चियनिटी के विरोधियों ने उसकी यह हालत की। हालांकि जीसस में यकीन रखने वाले थॉमस की मदद उस समय उसके भगवान ने भी नहीं की। एक जेनिफर ही थी जिसने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। जेनिफर कोई घुसपैठिया नहीं, एक आम लड़की है जिसे तुम्हारे पिता ने किडनैप करके रखा है सिर्फ अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए। वहीं हम मेलकम को देखते हैं जिसने गॉडेस को बंदी बनाकर रखा था। वो गॉडेस के पास आकर उसे अपना हाथ काटकर खून पिलाता है, जिसके बाद आइलैंड पर फिर से कुछ हरियाली आती है और गॉडेस पर नजर रखने के लिए मेलकम ने एक खूंखार आदमी को रखा है जिसका हम चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा है। वही मास्क वाला आदमी जेनिफर को भी एक बोरी में डालकर उसे उसी टनल में बांधकर लटका देता है। आगे हम जर्मी और फियोन को देखते हैं जो बहुत खुश थे और उनकी इस खुशी की वजह फियोन की प्रेगनेंसी होती है। वो फियोन को उसका सामान पैक करने को कहता है ताकि वो मौका पाते ही उस आइलैंड से भाग सकें और वो खुद फियोन के लिए बनाए एक स्पेशल गिफ्ट को लेने चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही फियोन के डैड क्वीन उसके पास आते हैं, जिन्हें उनके अफेयर और प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। क्वीन उसे बच्चा गिराने को कहता है, लेकिन जब फियोन उसकी बात मानने से इनकार कर देती है तो गुस्से में क्वीन उसे मारना शुरू कर देता है और बच्चा अबॉर्ट कराने की जिद में वो अपनी ही बेटी की जान ले बैठता है। इतने देर में जर्मी गिफ्ट लेकर जैसे ही रूम के अंदर आता है वो फियोन को अपने सामने मरा देखकर अपना आपा खो बैठता है और क्वीन को देखकर जर्मी समझ जाता है कि उसने ही फियोन को मारा है, इसलिए जर्मी क्वीन को मारना शुरू कर देता है। लेकिन क्वीन उल्टा फियोन का कातिल जर्मी को बना देता है। अब जर्मी गांव वालों से अपनी जान बचाने के लिए थॉमस के पास भागता है, जहां उसका पीछा करते हुए क्वीन के गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जर्मी के साथ साथ उन्हें भी बंदी बनाकर पूरे आइलैंड वासियों के बीच बैठा दिया जाता है। फेंग और मेलकम आइलैंड पर उगने वाले अनाज के अंदर आने वाली कमी को सॉल्व करने में बिजी होते हैं और उसी बात का फायदा उठाकर क्वीन खुद ही लीडर की तरह जर्मी को जान से मारने का ऐलान कर देता है, जिसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जर्मी के सिर में एक नुकीली चीज से छेद करके उसे एक दर्दनाक मौत दे दी जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद फेंग और मेलकम भी वहां पहुंच जाते हैं। फेंग अपने बेटे को ऐसे मरा हुआ देख बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी से लिपट कर रोने लगता है। मेलकम क्वीन से खुद से फैसला लेने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में क्वीन मेलकम को सबके सामने मुखिया के पद के लिए खुद को साबित करने को कहता है और उसकी शर्त थॉमस को मारने की होती है। एंड्रिया अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि वो क्वीन की बातों में ना आए और कोई भी गलत कदम ना उठाएं, लेकिन मेलकम मुखिया के पद की धुन में कुछ नहीं समझ पाता और जैसे ही वो थॉमस को मारने वाला होता है तभी फेंग हवा में गोली चलाता है और कहता है कि वो सीधा जाकर गॉडेस को ही मार देगा, जिससे इस आइलैंड का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फेंग की इस हरकत को रोकने के लिए क्वीन और मेलकम उसके पीछे जाते हैं क्योंकि गॉडेस के बिना ये आइलैंड किसी काम का नहीं रहेगा। वहीं थॉमस इस भगदड़ का फायदा उठाता है और बड़ी ही चालाकी से सभी गार्ड्स को मारकर वो फेंग के पीछे भागता है ताकि वो जेनिफर को बचा सके। लेकिन जैसे ही थॉमस टनल के एक्सिट पॉइंट पर पहुंचता है तो वो फेंग को बड़ी बुरी हालत में बाहर की तरफ खून से लथपथ पाता है। उस मास्क वाले इंसान ने फेंग को मार दिया था।
थॉमस अपनी जान बचाने के लिए एग्जिट पॉइंट से ना जाकर पास के एक खुफिया रास्ते से टनल में जाता है। अब यहाँ मेलकम और क्वीन दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ क्वीन कहता है कि इस आइलैंड का लीडर हम दोनों में से कोई एक ही हो सकता है और इसका फैसला मैं अभी कर देता हूँ। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इसी बीच क्वीन बंदूक निकाल कर मेलकम को गोली मार देता है, जिसकी वजह से मेलकम घायल होकर वहीं गिर जाता है। वहीं थॉमस चोरी छुपे जेनिफर को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है कि वो मास्क वाला इंसान गॉडेस को जबरदस्ती जर्मी की बॉडी खिला रहा था। इसी बीच थॉमस जेनिफर को ढूंढ उसे बोरे से बाहर निकालता है और बिना कोई आवाज किए वहां से निकलने को कहता है, लेकिन तभी वो मास्क मैन आकर थॉमस के सर पर जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से थॉमस तुरंत बेहोश हो जाता है। थॉमस की जब आंख खुलती है तो वो खुद को केबल से बंधा हुआ पाता है और वो केबल लोहा पीसने वाली मशीन से जुड़ी हुई थी, जो कि धीरे धीरे थॉमस को ऊपर की तरफ खींच रही होती है। थॉमस खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करता है, जिस दौरान उसकी मास्क मैन से हाथापाई भी होती है और इसी बीच थॉमस की कुछ उंगलियां भी कट जाती हैं। फिर भी जैसे तैसे करके अंत में थॉमस मास्क मैन को जान से मारकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। जब मास्क मैन ने थॉमस को मारकर बेहोश किया था, उसी वक्त क्वीन जेनिफर को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद क्वीन एंड्रिया को भी बंदी बना लेता है, ये कहते हुए कि इस आइलैंड का असली लीडर मुझे ही होना था, क्योंकि मैं ही वो पहला इंसान था जिसने इस आइलैंड को खोज निकाला और साथ ही यहाँ की देवी को अपने कब्जे में लाया, और उसे इतने सालों से इंसानों और जानवरों का खून पिलाने का काम भी मैं ही करता आया हूँ। वहीं जब थॉमस मास्क मैन को मार देता है तो वो गॉडेस को देखता है, जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि इतने सालों से क्वीन ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है और वो उसे खाने को भी वही चीजें देता था जो कि वो चाहता था। गॉडेस की ये हालत देखकर थॉमस उसे आजाद करता है, पर इसी बीच गॉडेस थॉमस का सर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से थॉमस को वो सारे विजन साफ साफ दिखाई देने लगते हैं जो कि गॉडेस उसे दिखाना चाह रही थी, कि कैसे मेलकम फेंग और क्वीन ने मिलकर उसके ऊपर अत्याचार किए थे। क्वीन ने उसे मरे हुए इंसानों की बॉडी को भी जबरदस्ती खिलाया और इसीलिए क्वीन खुद को ही साइरन का असल लीडर कहता था, क्योंकि उसने ही ये सारे काम किए हैं। थॉमस उन विजन्स को देखकर समझ जाता है कि मेलकम फेंग और क्वीन कितने बुरे इंसान हैं और उनका असल मकसद क्या था। थॉमस देवी से उसे आजाद करने का तरीका पूछता है तो गॉडेस उसे बताती हैं कि मुझे इस दर्द से बाहर निकालने के लिए तुम्हें मुझे जलाना पड़ेगा और तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। इसलिए थॉमस देवी की बात मानते हुए वहां आग लगाकर भाग जाता है। जैसे ही आग लगती है तो गॉडेस पूरी तरह से आजाद हो जाती हैं, लेकिन गॉडेस के जलने की वजह से वो पूरा आइलैंड भी आग की लपेट में आने लगता है और सारे घर और सारे सामान जलना शुरू हो जाते हैं। थॉमस जल्दी से जेनिफर और एंड्रिया के पास जाता है, लेकिन वहां उसका रास्ता रोकने के लिए क्वीन पहले से ही मौजूद होता है, जो कि चाकू से थॉमस पर वार कर देता है, लेकिन थॉमस हार नहीं मानता और जमकर क्वीन के साथ लड़ता है। एंड्रिया और जेनिफर जंजीर को खींचकर तोड़ देती हैं और थॉमस की मदद करती हैं, जिसके बाद थॉमस क्वीन को जान से मार देता है। क्वीन को मारने के बाद थॉमस जेनिफर और एंड्रिया को अपने साथ लेकर नदी की तरफ भागता है, क्योंकि आइलैंड पर रहने वाले सभी लोग आग से अपनी जान बचाकर बोट के सहारे शहर की तरफ भाग रहे होते हैं। थॉमस काफी जख्मी होने की वजह से उसके पास इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो भागकर नदी तक जा सके, और शहर जाने वाली आखिरी बोट ही बची होती है, जो देर करने पर शायद इन्हें साइलेंट पर छोड़कर चली जाए। थॉमस जेनिफर और एंड्रिया से कहता है कि अब मैं और नहीं भाग सकता, इसलिए तुम दोनों को आगे का रास्ता मेरे बिना ही तय करना है। तुम दोनों जल्दी से जाकर बोट पर चढ़ जाओ, लेकिन जेनिफर थॉमस को वहां अकेले छोड़कर जाने को नहीं मानती। थॉमस के काफी समझाने और एंड्रिया के कहने पर आखिरकार जेनिफर मान ही जाती है और फिर वो एंड्रिया के साथ बोट पर चढ़कर शहर के लिए निकल जाती है। वहीं थॉमस, जो कि अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा था, तभी उसके पास मेलकम आता है, जो देखता है कि थॉमस के शरीर से गिरने वाले खून से वहां एक नई घास आ जाती है, जो देखकर मेलकम मुस्कुराने लगता है। इस बात का ये मतलब है कि अब उस आइलैंड को एक नया गॉड मिल गया है, जो कि थॉमस है, जिसके खून से उस आइलैंड पर हरियाली बनी रहेगी। और यही देखते देखते थॉमस की बॉडी के अंदर से घास बाहर आने लगती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।